मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राजधानी देहरादून में बीजेपी की संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान सीएम धामी ने इस मामले पर कांग्रेस से जवाब मांगा है। बीजेपी हाईकमान के दिशा निर्देश पर राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। हालांकि पूरे मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही मीडिया से बातचीत की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में हुई चूक के मामले पर निजी चैनल के स्टिंग का हवाला देते हुए पूरे प्रकरण के लिए पंजाब कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक स्टिंग में सुरक्षा अधिकारी के जरिए तमाम बातों की जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई प्रदर्शनकारियों के ऊपर नहीं की गई। किसे इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ी साजिश पंजाब में रच रही थी। सभी गांवों में जितनी हमारी ग्राम सभाएं हैं, हमने कहा था, हमने 1 अक्टूबर 2021 को पीटसैंड में चंद्र सिंह गढ़वाली जी का जो जन्म स्थान है वहां से मैंने घोषणा करी थी कि हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड ये योजना लागू करेंगे। इस योजना में प्रत्येक गांव में एक ओपन जिम खोलेंगे, और ये केवल घोषणा ही नहीं करी, उसका पैसा भी जारी हो चुका है, उसका शासनादेश जारी हो गया है, हर गांव में एक ओपन जिम बनाया जाएगा। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बात को कहा है कि हर दृष्टि में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास का क्षेत्र हो, 20 से 30 का ये दशक हमारा 21वीं सदी का दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड को विश्व की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, और उसके लिए काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, इस योजना को पिछले कई दशकों से ये योजना बहुत प्रतीक्षित थी, और इस पर भी जो है फैसला नहीं हो पा रहा था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को भी हरी झंडी मिली, 5700 करोड़ से भी अधिक की योजना, इसको स्वीकृति प्रदान हो गई है, इसका भी शिलान्यास हो गया है। भव्य और दिव्य केदार नए धाम का स्वरूप ले चुका है, वहां पर 400 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 250 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो चुकी है, उसका मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है, उसके टेंडर की कार्रवाई भी पूरी हो गई है। आने वाले समय में यह भी हमारे को एक नए स्वरूप में दिखाई देगा। देहरादून का एयरपोर्ट एक पूरा विस्तार रूप ले चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हो, उपनल कर्मचारी हो, ग्राम प्रधान हो, आशा बहनाएं हो, भोजन माताएं हो, पीआरडी के जवान हो, या हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, सभी क्षेत्रों में लगातार काम किया गया है, लगातार इसके लिए प्रयास किए गए हैं। राज्य में अटल आदर्श विद्यालय स्थापित किए गए हैं, पहली बार सरकारी स्कूलों में ज्यादा एडमिशन हुए हैं, जो एक ऐतिहासिक काम है। 2,65,000 छात्रों को, जो 10वीं 12वीं और महाविद्यालय में पढ़ने वाले, उन सभी को टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है, जिस पर DBT के माध्यम से उनके खातों में सीधे पैसा जा रहा है। मुफ्त वैक्सीनेशन का कार्य, पहली डोज 100% लग गई है, दूसरी डोज 90% के आसपास पहुंच गई है, और 15 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीनेशन का काम मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में पूर्ण होने वाला है। आज हमारी जो मुख्यतः प्रेस थी कि किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा, लेकिन इसी बीच एक बहुत ही ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो पूरे देश के अंदर आज चर्चा का विषय है और हर जनमानस इससे उत्तेजित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है और जिसमें घोर लापरवाही बरती गई है, एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक, जिसमें कि ये चूक ही नहीं,
बल्कि एक इरादतन किया हुआ काम है। स्टिंग चैनल करने वाली टीम ने कई खुलासे किए हैं जिससे बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह कोई चूक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि यह पहले से तय था और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और यह भी कहा जा सकता है कि यह कोई स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड था। स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट सुना जा सकता है, आप सभी लोगों के पास उस निजी चैनल का स्टिंग ऑपरेशन आ गया होगा या आ जाएगा, सभी जगह पहुंच चुका है। इसमें स्थानीय SHO और DSP CID जो कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके रुकावट की जानकारी दे रहे थे, जानकारी होने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इसे लगातार अनदेखा किया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक में पंजाब सरकार के द्वारा लापरवाही नहीं बल्कि पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था, उनकी पूरी मिलीभगत थी। और उसके बाद उनके नेता जो कांग्रेस के वहाँ के अध्यक्ष हैं, सिद्धू कहते हैं उसे ड्रामा बताते हैं, हरीश रावत कहते हैं कि बम नहीं फटा, तो निश्चित रूप से ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस की ही नहीं बल्कि स्थानीय CID इंटेलिजेंस, इन्होंने कुछ दिन पूर्व जब प्रधानमंत्री जी का वहाँ दौरा हो रहा था, उनके रूट पर सुरक्षा चूक पर अपनी रिपोर्ट दी थी। और इस रिपोर्ट पर भी पंजाब सरकार लगातार टाल मटोली करती रही। स्टिंग ऑपरेशन में पंजाब पुलिस बता रही है कि उन्हें कुछ भी नहीं करने के निर्देश उनके उच्चाधिकारियों के और वहाँ की सरकार के द्वारा दिए गए थे।